আমি সমস্ত বিগত 10 বছরে ভারতের অভূতপূর্ব যাত্রা দেখি আসছে দেশের বিরাসত ও বিকাশের অদ্ভুত সমন্বয় দেখা মিলছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 2047 সুদ্ধা যে বিকশিত ভারতের সংকল্প নিয়েছেন তাকে দেশবাসী আগে রাখছেন দেব এডুকেশন গ্রুপর 15তম প্রতিষ্ঠা দিবসে যোগ দিয়ে কেছেন উত্তরপ্রদেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সে কেছেন ভারত স্বাবলম্বী তথা আত্মনির্ভর সেতবে হব যেতবে গাঁ নগর জেলা তথা রাজ্য আত্মনির্ভর হব এই অবসরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী ওমিনি হসপিটাল এবং ট্রমা সেন্টার শিলান্যাস করছেন শিক্ষা সেবা এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট কার্য করা শিক্ষক বিদ্যার্থী পুরস্কৃত করলে যোগী স্বাবলম্বন इस समाज का स्वावलंबन होता है और अंततः राष्ट्र का स्वावलंबन होता है। राष्ट्र आत्मनिर्भर यहीं से बढ़ता है। दुनिया के अंदर जितने भी देश विकसित हैं उन लोगों ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है। वे आत्मनिर्भर या विकसित इसलिए नहीं है कि उनके पास ज्यादा संसाधन है, नहीं, उन्होंने योग्यता को महत्व दिया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया है, परिश्रम की पराकाष्ठा को महत्व दिया है और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर के स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया है। तब वह दुनिया के विकसित देश बने। हमें भी विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के संकल्प को भारतवासियों के सामने रखा है। याद रखना 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए, एक ऐसा भारत जो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, गांव आत्मनिर्भर बनेंगे, नगर आत्मनिर्भर बनेंगे। जनपद आत्मनिर्भर बनेंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आत्मनिर्भर बनेगा और भारत विकसित होगा। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।